नमस्कार, खबर झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। बोकारो में अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। अधजले शव को पुलिस ने बरामद किया है। घटना सिटी थाना क्षेत्र के सेंट जेवियर्स स्कूल के पीछे की है। सूचना के बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। उसकी उम्र 30 से 35 साल के बीच में बताई जा रही है। हत्या के बाद शव जलाने की आशंका भी जताई जा रही है। साथ ही सिर को पत्थर से कुचलने का प्रयास भी किया गया। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जांच अभी की जा रही है। देखिए, आपको बता दें, बोकारो में अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि अभी मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। घटना सिटी थाना क्षेत्र के सेंट जेवियर्स स्कूल के पीछे की है। सूचना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। जो मृतक है उसकी उम्र करीब 30 से 35 साल के बीच में बताई जा रही है और हत्या के बाद शव को जलाने की आशंका भी जताई गई। मैं स्वयं यहाँ घटनास्थल पर पहुँचा तो यहाँ पे वास्तविक तौर से अधजला शव है, लेकिन ये इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। और हम लोग भी आसपास के लोगों से और ग्रामीणों से भी पूछताछ कर रहे हैं और इसकी पहचान करवाने का प्रयास किया जा रहा है और इसका अनुसंधान जारी है। तो हमारे साथ मृत्युंजय जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, अधजला शव बरामद हुआ है, क्या है पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक अधजला जो है शव सेक्टर 1 के जो संजीवियर्स स्कूल है उसके बाउंड्री के जो पीछे जंगल स्थित है, सिटी थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ एक अधजला शव जो है मिला है। उसके बाद आनंद फानन में पुलिस पहुंची, मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद देखने से प्रतीत हो रहा है कि शव को जलाया गया है। उसके गर्दन पर कटे के निशान है, साथ ही पत्थर से कुचला गया है। अभी शव की पहचान नहीं हो पाई है। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला है, हत्या करके शव को जलाने की कोशिश किया गया है। आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में हो सकता है कि इसकी हत्या करके इसके शव को जो है जलाया जाने का प्रयास किया हुआ होगा, और उसके बाद जब शव नहीं जला है तो उसको छोड़ करके जो अपराधी हो भाग गया होगा। उसके बाद जो पुलिस इस पूरे मामले के अभी अनुसंधान कर रही है और वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करने की बात कर रही है कि आखिर हत्या किस वजह से हुई है और इन लोगों ने हत्या किया है। हत्या आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात बोकारो पुलिस कह रही है। जी 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 बिल्कुल, तमाम जान बहुत बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय।